आज की जो हमारी क्लास है वो यूनिट 2 बीसी सेकेंड ईयर के यूनिट 2 C++ को हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम स्ट्रक्चर्स के बारे में देखेंगे। चलिए बात करते हैं स्ट्रक्चर की। तो जब आपने क्लास पहले से पढ़ रखा है तो आप स्ट्रक्चर को भी आसानी से समझ सकते हैं। स्ट्रक्चर और क्लास में थोड़ा सा अंतर होता है। स्ट्रक्चर और क्लास को समझने के लिए हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि स्ट्रक्चर और क्लास जो है वो थोड़ा सा एडवांस वर्जन होता है। क्लास स्ट्रक्चर का एडवांस वर्जन होता है। अगर मैं इसको बोलूं कि ये क्लास है तो यहाँ पर कुछ अंतर हैं, वो हम पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे। स्ट्रक्चर बनाने के लिए स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज़ किया जाता है। अगर मुझे स्ट्रक्चर बनाना है तो मैं स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज़ करूँगा। क्लास बनाने के लिए क्लास कीवर्ड का यूज किया जाता है। ये पहला अंतर है। दूसरा, स्ट्रक्चर में कोई भी विजिबिलिटी कंट्रोल या एक्सेस स्पेसिफायर, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, इस तरीके की चीजें नहीं होती है स्ट्रक्चर में। हालांकि C++ में आप उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, बट ये चीज आपके पास नहीं होती, जबकि क्लास के अंदर होती है। ये चीज क्लास के अंदर अलाउड है, जो कि स्ट्रक्चर के अंदर अलाउड नहीं है। यहाँ पर भी डॉट ऑपरेटर से उनके मेंबर्स को एक्सेस किया जाता है। यहाँ पर भी डॉट ऑपरेटर से ही मेंबर को एक्सेस किया जाता है। बाकी बहुत सारी चीजें सेम होती हैं, जैसे इसमें इनहेरिटेंस नहीं होता है। तो यहाँ पर कई चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। सब चीजों में लिखा होगा कि यहाँ पर ये नहीं होता है, जैसे यहाँ पर इनहेरिटेंस नहीं होता है, पॉलीमॉर्फिज्म नहीं होता है, एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन तो होता है, इनकैप्सुलेशन भी होता है, डायनेमिक बाइंडिंग नहीं होती है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग नहीं होती है। ये सभी चीजें जो है वो नहीं होती है। जस्ट इसका उल्टा है कि क्लास में ये सारी चीजें आपको होती हुई मिलेंगी। क्लास में क्या है, ये सारी चीजें आपको सब चीजें ओके मिलेंगी और ये सारी चीजें होंगी। और भी कई सारी एडिशनल चीजें हैं जो होती है, जैसे इसमें वर्चुअल फंक्शन होता है, प्योर वर्चुअल फंक्शन होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है, और ये सारी चीजें जो कंसेप्ट हमने पढ़ा वो सब चीजें इसमें होती है, इसमें नहीं होती। क्लियर? चलिए अभी 1 सेकंड के लिए आपकी स्क्रीन जाएगी और हम लोग C++ की स्क्रीन पर जंप करते हैं और देखते हैं कैसे हम स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं। अभी आपके स्क्रीन पर एक टर्बो C++ का विंडो दिख रहा है और यहाँ पर हम स्ट्रक्चर को बना करके देखेंगे। क्लियर? तो हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर को बनाने के सबसे पहले हेडर फाइल्स इंक्लूड कर लेते हैं हम, और बिल्कुल सा सिंपल सा कंसेप्ट है। ओनियन को भी इंक्लूड कर लेते हैं। आपने भी देखा कि क्लास बनाने के लिए हम क्लास वर्ड का यूज करते हैं और क्लास का नाम लिखते हैं। सेम वैसे ही अगर स्ट्रक्चर बनाना है तो हम स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करेंगे और स्ट्रक्चर का नाम लिखेंगे, जैसे मैंने बी बनाया। और सेम कंसेप्ट के साथ मैं यहाँ पर वॉइड स्ट्रक्चर के अंदर पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, अगर C++ का यूज कर रहे हैं तो आप इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे तो फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। और अदरवाइज हम स्ट्रक्चर के अंदर वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं, जैसे MM और DD और YY। कुल मिला के क्लास जो है स्ट्रक्चर का एडवांस फॉर्म है। कुछ उसमें सिक्योरिटीज, कुछ उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कंसेप्ट, जो 8 पॉइंट हैं, जैसे इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, डायनेमिक बाइंडिंग, और ये सारी चीजें इसमें ऐड की गई, तो स्ट्रक्चर जो है वो क्लास बन गया। दोनों में डिफरेंशिएट करने के लिए अलग अलग कीवर्ड नाम दे दिए गए, स्ट्रक्चर एंड क्लास। तो यहाँ पर ये जो मैंने डेटा बनाया है इंट ABC क्लास के अंदर, इसको डेटा मेंबर कहा जाता है। और मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना देता हूँ। हालांकि C++ में फंक्शंस बनाना अलाउड है और C में आप थोड़ा सा दिक्कत होता है फंक्शंस बनाने में। फंक्शंस अलाउ नहीं करता C। तो मैं यहाँ पर, हालांकि C++ में बना रहे हैं इसलिए सी आउट का कोड लिख दिया मैंने, और यहाँ पर मैंने लिखा हेलो। तो
आप देख पा रहे हैं कि ये स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल सेम क्लास के जैसे, बल्कि क्लास में कुछ एडवांस फीचर्स थे, वो चीज़ें यहाँ नहीं दिख रही हैं। क्लियर? तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, और स्ट्रक्चर को बनाने के लिए टाइप डेफ वगैरह का भी यूज़ करते हैं, बट हम यहाँ पर सीधे सीधे डायरेक्टली यूज़ करके देख लेते हैं। मैंने मेन बनाया, और मेन के अंदर इस तरीके से, अभी हम कंपाइल कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन के अंदर हम क्लियर स्क्रीन बना लेते हैं, गेट सीएच बना लेते हैं, जो कॉमनली हम बनाते ही हैं। अब हम यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट जब बनाएंगे BB1, तो यहाँ पर हम कंपाइल करके देखते हैं तो ये बिल्कुल चल रहा है, बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है जैसा कि क्लास करता था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ B1.mm इक्वल टू 1, BD इक्वल टू 1, ये 2 कर देते हैं, B1.yy इक्वल टू 2020। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे void, सॉरी B1. कि हमने वैल्यूज दी है, उसको प्रिंट नहीं किया है। तो देखिए आपका हेलो आउटपुट आया है, और आप यहाँ पर दे सकते हैं इनको भी सी आउट एंडल, यहाँ पर आप लिख सकते हैं DD, फिर आपने लिखा, फिर लिखा आपने MM, फिर आपने लिखा बाय बाय। क्लियर है? ये सेम उसी तरीके का लॉजिक है जो ऐसे हमने लिखा था। अब इसको रन करा के देखते हैं क्या आउटपुट आता है। देखिए आपका डेट आया 2/1/2020, और हेलो आया, और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कुछ पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड इस तरीके का नहीं है, जबकि यही आप अगर क्लास लिख देंगे यहाँ पर ये प्रॉब्लम क्रिएट करने लगेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्लास में अगर यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड नहीं लिखा है तो वो प्राइवेट हो जाता है, और प्राइवेट को यहाँ पर एक्सेस नहीं किया जा सकता। देखिए मैंने स्ट्रक्चर मिला के मिटा के क्लास लिख दिया, तो अब एरर्स आने चालू हो जाएंगे, B.mm इज नॉट एक्सेसिबल, B.dd इज नॉट एक्सेसिबल, yy इज नॉट एक्सेसिबल, और शो इज नॉट एक्सेसिबल। तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है कि जो स्ट्रक्चर है वो पूरी तरीके से पब्लिक होता है, उसमें कोई भी चीजें जो है सिक्योरिटी के रूप में हम छुपा नहीं सकते, और जब हम छुपा नहीं पाएंगे तो इनहेरिटेंस नहीं होता, पॉलीमॉर्फिज्म नहीं होता, और बहुत सारे अदर कंसेप्ट जैसे फ्रेंड फंक्शन, वर्चुअल फंक्शन, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, कुछ भी नहीं होता। स्ट्रक्चर सिर्फ ये इसलिए यूज होता है जिससे हम पुराने डेटा टाइप को यूज करके एक नया डेटा टाइप बना सकते हैं। जैसे हमें डेट को स्टोर करना है तो उसके लिए हम बना सकते हैं, बट यहाँ पर हमने फंक्शंस भी लिख दिया, फंक्शंस लिखना भी अलाउड नहीं होता सी में, यहाँ पर सिर्फ डेटा होते हैं। क्लियर? तो आप देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर और क्लास में बहुत ज्यादा अंतर होता है, जमीन आसमान का अंतर है। स्ट्रक्चर केवल कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स है, इसको हम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप भी बोलते हैं। ये आपका स्ट्रक्चर है जिसका नाम है बी, और वो पुराने डेटा टाइप को मिला करके डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन से दूसरा डेटा टाइप बना रहा है। इसको स्ट्रक्चर वेरिएबल बोला जाता है, B1 जो है वो स्ट्रक्चर वेरिएबल है, ये इनके डेटा मेंबर है और ये मेंबर फंक्शन है। क्लियर है? तो ये स्ट्रक्चर वेरिएबल है, और डॉट ऑपरेटर लगा करके इनको यूज किया जाता है। सेम वैसे ही अगर मैं इसका पॉइंटर बना दूं तो फिर वैसा ही यहाँ पर ये वाला ऑपरेटर लगा करके यूज किया जाएगा, यानी यूज करने का तरीका बिल्कुल सेम है, उसके अंदर की जो टर्मिनोलॉजी है वो डिफरेंट है क्लास की बजाय। बहुत ज्यादा अंतर है क्लास और स्ट्रक्चर में। स्ट्रक्चर पूरी तरीके से पब्लिक होता है, जबकि क्लास में बहुत सारे एडिशनल फीचर्स होते हैं, बहुत सारे एडिशनल फीचर्स होते हैं, जो आपने अभी सिलेबस में कई सारे चीज़ें पढ़ी हैं वो सारी चीज़ें इसमें नहीं होती हैं। तो आपको सिक्योरिटी के साथ अगर अपना डेटा टाइप क्रिएट करना है, कोई चीज़ इनहेरिट करना है, रीयूजेबिलिटी करनी है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग करनी है, मल्टीपल टास्क परफॉर्म करना है, तो क्लास बना करके ये कोड करना ज़्यादा अच्छा होगा।
स्ट्रक्चर की बजाय। तो यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर और क्लास में थोड़ा सा अंतर देखा, और ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मुझे लगता है आ सकता है। और दूसरी बात है, हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सिलेबस में कुछ चीजें दी गई है, जैसे एक सिंपल स्ट्रक्चर डिफाइन, ठीक है, स्ट्रक्चर वेरिएबल, हमने ये भी देखा स्ट्रक्चर वेरिएबल जिसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं वो स्ट्रक्चर वेरिएबल है, स्ट्रक्चर की डेफिनेशन हमने दी। एक्सेसिंग स्ट्रक्चर्स मेंबर, स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस करने के लिए डॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं, और अगर पॉइंटर बना है तो ये वाले ऑपरेटर का यूज करते हैं। ये चीज हम सेम क्लास में भी कर रहे थे कि अगर पॉइंटर है तो ये ऑपरेटर, और पॉइंटर नहीं है वेरिएबल है तो डॉट ऑपरेटर से यूज करेंगे, जो हमने भी एक्सेस करके देखा था। तो कुल मिला के केवल क्लास नाम का जो वर्ड है वो हटा करके आप स्ट्रक्चर लिख देंगे, कोई पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड नहीं लिखेंगे, तो स्ट्रक्चर कहलाता है। और ये हमने सी में भी पढ़ रखा है, तो बेसिक डिफरेंस पूछा जाएगा स्ट्रक्चर और आपका जो क्लास है उसमें, क्लियर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पर कैसे इनके मेंबर्स को एक्सेस किया डॉट लगा करके, ठीक है। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर का टॉपिक, इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं।